तो अभी तक हमने देखा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि हमारा जो एंगल टेन थीटा आता है के क्यू स्क्वायर बाई एम जी एक्स स्क्वायर। अब हम इसका एक स्पेशल केस देखने वाले हैं कि अगर ये एंगल थीटा अगर छोटा होगा तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो हम देखते हैं इसमें। तो अभी तक हमने लिखा कि टेन थीटा जो रिजल्ट आया वो था के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी एक्स स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि एंगल थीटा जो छोटा है, अगर एंगल थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, जब थीटा स्मॉल एंगल होता है तब हम बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है और टेन थीटा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। ठीक है, तो मतलब कि जो ऊपर का रिजल्ट टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एम जी एक्स स्क्वायर है, हम उसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं। टेन थीटा की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एम जी एक्स स्क्वायर। अब जरा डायग्राम में जाते हैं और देखते हैं कि साइन थीटा कितना होगा। इधर का आधा ट्रायंगल देख लो, ये वाला, ये जो हाफ ट्रायंगल है, हाफ राइट ट्रायंगल है ना, यहाँ तो 90 डिग्री एंगल है ना, ये वाला 90 डिग्री एंगल है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम लगा सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है कि ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल थीटा का जो ऑपोजिट साइड है ये वाला, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये एक्स बाई टू होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम शो कर देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, एक्स बाई टू, इसलिए साइन थीटा ऑपोजिट साइड एक्स बाई टू डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि ये हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं एक्स बाई टू डिवाइड बाई एल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी एक्स स्क्वायर। अब देखो एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर को यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब, और टू एल को इधर ले आते हैं तो टू के क्यू स्क्वायर एल डिवाइड बाई एम जी। तो फिर फाइनली हम कह सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी इसका क्यूब रूट, टू के क्यू स्क्वायर एल डिवाइड बाई एम जी इसका क्यूब रूट, टू द पावर 1/3। अगर हम चाहें तो ये जो के है उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अगर के को हम लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 से 4 को कट जाएगा, वो 2 पाई एप्सिलॉन बचेगा और बाकी सारी चीज़ें हम लिख देंगे एज इट इज़, क्यू स्क्वायर एल डिवाइड बाई इधर आ जाएगा एम जी होल थिंग टू द पावर 1/3।